तो दोस्तों देखिए, हमें फ़िलहाल में ही कुछ समय पहले एक न्यूज़ पता चली है, और यहाँ पर इस न्यूज़ में हमें बताया गया है और हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकाली और पता करा है कि आप लोगों को केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति प्ले अलोंग में कितने पॉइंट्स पर क्या प्राइज़ मिलेगा, यानी आप लोगों के कितने पॉइंट्स रहेंगे तो आप लोगों को क्या प्राइज़ मिलेगा, ये सब मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कितने पॉइंट्स से बनाना है एक होम थिएटर जीतने के लिए, एक सोनी का ईयरफोन जीतने के लिए, एक सोनी का ब्लूटूथ स्पीकर जीतने के लिए, या फिर एक सोनी ब्राविया टीवी जीतने के लिए, या फिर एक महिंद्रा मराजो कार जीतने के लिए। तो आप लोगों को इन प्राइजेस को जीतने के लिए कितना स्कोर करना है और कितने पॉइंट्स बनाना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सही सुना है, आप लोगों को इन प्राइजेस को जीतने के लिए कितना स्कोर बनाना है। यदि आप लोगों को ये सब जानना है कि ये सब कैसे होगा और किस प्रकार से होगा और आप लोगों को कितने पॉइंट्स बनाना है और कैसे आप लोग ये जीतेंगे, तो आप लोग बहुत सही वीडियो पर आए हैं। और आप लोगों को कितने पॉइंट्स चाहिए इसे जीतने के लिए, तो आप लोगों ने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को सिर्फ कितने पॉइंट्स चाहिए कि आप इन प्राइजेस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए वीडियो पर, जहाँ से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं केबीसी से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा केबीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों को या प्रॉब्लम आती है तो हम उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और आपको सॉल्यूशन भी दिखाते हैं 100%। तो दोस्तों चलिए, ये बहुत से लोगों का की परेशानी थी कि कितने पॉइंट्स पर क्या प्राइज़ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ये सब भी जान लिया है और अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स पर क्या प्राइज़ मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए आप लोग कभी का भी, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो में इतने मगन हो जाएंगे कि आप लोग को वीडियो लाइक करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो मैंने कुछ सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों चलिए, हम लोग समय गवाए नहीं, बढ़ जाते हैं हमारी वीडियो की और वहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कैसे जीत सकते हैं, कितने पॉइंट्स पर क्या प्राइस। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आप लोगों के सामने चार्ट आ चुका है। ये तो चार्ट देखिए, तो ये विनिंग चार्ट, ये आप जिस चार्ट को समझ रहे हैं ये वो चार्ट नहीं, ये वो चार्ट है जो आपको क्वेश्चन के बेस पर मिले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 1000 रुपये का, तो यहाँ पर आपको उसके 10 पॉइंट मिलेंगे। ये तो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर 7 करोड़ का क्वेश्चन है तो आप लोगों को उसके देखिए 7 लाख पॉइंट मिलेंगे। ये तो ये है, बट यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ इस चार्ट की मदद से कि आप लोगों को कितने पॉइंट बनाना है तो आप लोगों को क्या प्राइस मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आप लोग बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा होगा 7 करोड़ पे आप लोगों को 7 लाख पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 7 करोड़ पर आप लोगों को 7 लाख पॉइंट मिल रहा है। तो आप लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया गया है ये कि जो 7 करोड़ का जो ये क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को 3 या 4 बार अटैम्प्ट करना होगा। आप लोग जैसे ही 7 करोड़ के क्वेश्चन को 4 बार या 3 बार अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। यदि आप लोग 7 करोड़ के क्वेश्चन को 4 बार खेलते हैं और 4 बार आप लोगों का सही उत्तर रहता है तो आप लोगों को महिंद्रा मराजो कार मिलेगी, और उसके पहले वाले 1 करोड़ का जो प्रश्न है उसे भी आपको सही देना होगा। और आपके 7 करोड़ के प्रश्न को, आप लोग को 1 करोड़ के प्रश्न को भी 4 बार खेलना है और 7 करोड़ के प्रश्न को भी 4 बार खेलना है, या फिर जितनी बार भी वो सीजन में आ रहा है आप लोगों को उतनी ही बार हर एक बार पूरे 7 करोड़ के प्रश्न को सही करना है और 1 करोड़ के प्रश्न को भी सही करना है। यदि आप लोगों ने पूरे सीजन में जितनी बार भी 7 करोड़ का प्रश्न और 1 करोड़ का प्रश्न सही आया है, चाहे वो पूरे सीजन में 2 बार आया हो या फिर 1 बार आया हो, तो आप लोगों ने 1 बार में दोनों ही क्वेश्चनों को सही करा है, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और यदि आप लोग 4 बार इन चीज़ों को खेल लेते हैं या फिर जितनी बार भी ये सीजन में क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चन को खेलते हैं एक साथ, और यदि आप लोग का ये दोनों ही क्वेश्चन सही निकल जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग महिंद्रा मराजो कार जीत सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और यदि आप लोगों ने 1 करोड़ का और 7 करोड़ का क्वेश्चन, जिस दिन भी सीजन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीजन में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को एकदम सही देना है। और यदि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये सही निकल जाता है, आप लोगों को बता दूं यही दोनों क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे, तो आप लोग महिंद्रा मराजो कार जीत सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन क्वेश्चन यही है और सबसे बड़ा प्राइज़ भी वही है। तो आप लोगों को ध्यान रहे, जब भी सीजन में ये दो क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे कि आप लोगों को इन क्वेश्चन को ही ध्यान से खेलना है, जब भी आप इन कार को जीत सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए, मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोगों को अगला प्राइस क्या है, उसके लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आप लोग क्या प्राइजेस जीतेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि जो भी प्ले अलोंग पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेंट स्कोर करेगा उन्हें यहाँ पर, यानी कि केबीसी की हॉट सीट पर बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 60 एपिसोड होंगे, तो यहाँ पर 55 से लेकर 60 तक जो एपिसोड खेले जाएंगे ये केबीसी प्ले अलोंग के पार्टिसिपेंट्स के साथ खेले जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, ध्यान रहे, यदि आप लोग हॉट सीट पर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर
करना कुछ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा स्कोर करना होगा यदि आप वॉर सीट पर जाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को एक और अगला प्राइस बता देता हूँ जो कि हमारा एलईडी टीवी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला प्राइस है सोनी ब्राविया की एलईडी टीवी। अब यहाँ पर आप लोगों को सोनी ब्राविया की एलईडी टीवी कैसे जीतना है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सिंपली करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपका 50 लाख, 1 करोड़ और 7 करोड़। अब यहाँ पर देखिए, 50 लाख और आप लोगों को 7 करोड़ पर और 1 करोड़ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर ये तीन, अब आप लोगों को यहाँ पर कितना स्कोर चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 50 लाख को जितनी बार भी उतनी बार तो अटेम्प्ट करना ही करना है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कम से कम 1 करोड़ पॉइंट बनाना होंगे। आप लोगों को दोस्तों देखिए, केबीसी प्ले अलोंग में पूरे सीज़न में एकदम टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स बनाना होंगे। यदि आप लोगों के केबीसी प्ले अलोंग में पूरे सीज़न में 1 करोड़ पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप लोगों को लास्ट में ये दे दिया जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर ये दोस्तों देखिए हर किसी को नहीं, बस ये लिमिट में ही लिया जाएगा। यदि कम से कम 100 लोगों को, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये कम से कम 100 या 150 लोगों के 1 करोड़ पॉइंट लास्ट में रहेंगे, तो उनका जो कंप्यूटर रहेगा, जो उनकी टीम रहेगी, वो रेंडमली 100 या 200 करोड़ में से, नहीं दोस्तों देखिए, 100 या 200 पीपल्स में से जिनके 1 करोड़ पॉइंट्स रहेंगे, उनमें से किसी 5 से 10 को रेंडमली चुनेगी और उन्हें यह प्राइस दिया जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और कोई से दूसरे प्राइजेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास एक प्राइज आता है, एक होम थिएटर, एक सोनी का ब्लूटूथ स्पीकर और एक सोनी का ईयरफोन। अब आप लोगों को इन प्राइजेस को जीतने के लिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सिंपली ये कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आप लोगों को यदि जीतना है अब केबीसी का होम थिएटर, नहीं दोस्तों देखिए, यहाँ पर सोनी का होम थिएटर जीतना है केबीसी में, तो आप लोगों को यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप लोगों को 1 करोड़ पॉइंट ही बनाना होंगे। और आप लोगों को यहाँ पर 1 करोड़ पॉइंट बनाने के बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी मान लीजिए बहुत से लोगों ने 1 करोड़ पॉइंट बनाए हैं, तो इसमें से विनर को रेंडमली चुना जाएगा उनके कंप्यूटर के द्वारा। और यहाँ पर ईयरफोन में भी आप लोगों को 1 करोड़ ही पॉइंट बनाने हैं, तो उसमें भी जो भी पीपल की 1 करोड़ रहेंगे उन्हें रेंडमली चुना जाएगा। और जो होम थिएटर है और जो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें भी आप लोगों को 1 करोड़ पॉइंट ही बनाने हैं, इसमें से आपको रेंडमली चुना जाएगा कि आप विनर हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग जान गए होंगे कि आप लोग क्या जीतने के लिए कितने पॉइंट बनाना है और किस प्रकार से विनर चुना जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को वीडियो चलेगी प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि केबीसी से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं और केबीसी में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और उसके लिए वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से आप लोगों को प्राइस जीतना है और कितने पॉइंट्स पर आप लोगों को क्या प्राइस मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट में भी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ है वो आप तक सबसे जल्दी पहुँच सकें। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।